पहली बात ठीक है, अब कंजंक्शन सिर्फ इन्हीं को नहीं एक्सप्रेस करते, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन टाइम भी एक्सप्रेस करते। लाइक कौन कौन से सबॉर्डिनेट कंजंक्शन हो सकते हैं? व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, एज, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अंटिल और टिल। अब इनमें से ना बहुत सी चीजें हमने प्रीपोजिशन में डिस्कस कर ली है, अगर आपको ध्यान हो तो। सिंस, अंटिल, टिल, बिफोर, आफ्टर, व्हाइल कर चुके हैं हम ये प्रीपोजिशन में, राइट है ना। जैसे कि तो ये टाइम भी एक्सप्रेस करते हैं। राम हैज नॉट फोन मी सिंस ही वेंट टू दिल्ली। तो राम ने मुझे कब से फोन नहीं किया? जब से वो दिल्ली गया है। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगा देते हैं। हमने ये प्रीपोजिशन में भी पढ़ा है। अब ये दो चीजों को जोड़ रहा है, सिंस हमें टाइम दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर प्लेसेस, प्लेसेस के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? वेयर, वेयर एवर, व्हेंस, विदर। लाइक यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक, ठीक है। माय फादर फाउंड हिज मोबाइल फोन where he had left it, कहाँ ढूंढा? जहाँ उन्होंने छोड़ा था। तो where word क्या कर रहा है? Join करने का काम कर रहा है, subordinate conjunction कि main बात के साथ जुड़ी हुई independent बात को जोड़ने के लिए जो conjunction use होते हैं subordinate। तो subordinate conjunction place के लिए हम ये लगाते हैं, like my father found his mobile phone, main बात ये है उनको phone मिल गया। Dependent इस पे कहाँ है? जहाँ उन्होंने छोड़ा था, तो where से जगह बताने के लिए use कर लिया है ना, correct। जैसे cause और reason के लिए क्या होगा? लाइक आई एम ग्लैड, मेन बात है मैं खुश हूँ। अब रीजन क्या है इसका? ठीक है, दैट यू लाइक माई पेंटिंग, दैट लगा के हमने इस पर डिपेंडेंट बात बता दी। ओके नेक्स्ट है यू विल पास द एग्जामिनेशन। अब ये मेन बात इस पर डिपेंडेंट क्या? बिकॉज ही हैज पुट हिज बेस्ट अप, ये इस पर डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन लगाते हैं वो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। वो टाइम भी दिखाएंगे, प्लेस भी दिखाएंगे, पर्पज भी दिखाएंगे, रीजन भी दिखाएंगे, ठीक है, इवन कंपैरिजन भी दिखाएंगे, ठीक है। फॉर पर्पस तो उसके लिए दैट और लीज लगाते हैं, लाइक वी ईट दैट वी मे लीव, सो दैट वी मे लीव, हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस के लिए सोर्स या सो दैट लगाते हैं। मीना बिहेव इन सच अ मैनर दैट ऑल लाइक डिसलाइक हर, कि अब मेन बात क्या है? उसने बहुत खराब बिहेव किया। उस पर डिपेंडेंट बात क्या है? कि सब ने उसे डिसलाइक किया, ठीक है। ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड, स्कार्सली मतलब मुश्किल से। मेन बात है कि वो इतना थका हुआ था इसलिए खड़ा नहीं रह पाया। तो अब इसीलिए के लिए हमने क्या है? कंजंक्शन लगा दिया। ओके कंडीशन लगाने के लिए इफ या अनलेस या वेदर लगाते हैं, ये भी हमारे कंजंक्शन जो यूज होते हैं फॉर द कंडीशन। कि मेन बात पे डिपेंडेंट कंडीशन के लिए हम इफ अनलेस या वेदर लगाते हैं। लाइक सीता विल डांस, मेन बात है सीता डांस करेगी, पर कब करेगी? कंडीशन लगाओ इफ रीमा डांस है ना करे, या यू विल नॉट बी अलाउड टू गो, तुम्हें जाना अलाउ नहीं है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अनलेस यू विल टेल द ट्रुथ, जब तक तुम सच नहीं बताओगे। क्लियर? फॉर कंपैरिजन एज एज एंड दैट, ये हमने कंपैरेटिव डिग्री में किया भी है, ठीक है। हरी इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम है ना, करेक्ट। और मदन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन, मनोज। एक्सटेंट एंड मैनर दिखाने के लिए एज यूज करते हैं, जैसे कि दे विल रीप एज दे शो, सो ओके यू विल डू एज यू प्लीज। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट